आज देश में दिवाली है क्योंकि रामलला अयोध्या लौट आए हैं। लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है। अब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा है कि जो मंदिर का निर्माण करे। आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। ये दिए जो आप देख रहे हैं, आज दरअसल दिवाली नहीं है, लेकिन जिस तरह से श्री राम अयोध्या लौटे हैं उसके बाद देश भर में इस तरह के दिए जलाए जा रहे हैं। ये खुशी के वो दिए हैं जो रामलला के अयोध्या में वापस लौटने के बाद जलाए जा रहे हैं। आज देश में वो स्वर्णिम दिन है जिसका सभी को लगभग 500 साल से इंतज़ार था। देश भर में आज इस तरह का नज़ारा देखा जा रहा है। विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सद्भावना का संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है जहां पर मुस्लिम पक्ष मस्जिद बना सकते हैं, और अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के हवाले से ये फैसला सुनाया है कि अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान होंगे और अब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा। आज देश भर में जो माहौल है वो काफ़ी खुशी का है। मेरी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लोग आपको भगवान राम की आरती हुई गाते हुए दिखाई देंगे और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इस फैसले का पूरे देश को बरसों से इंतज़ार था। आज सुबह 10:30 बजे देश के तमाम लोग टीवी चैनल पर टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या होगा रामलला का फैसला, और जैसे ही 10:30 बजे टीवी चैनल पर जो फैसला आया उससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसके बाद हिंदू पक्ष जो है वो दिवाली मनाने लगा और साथ ही मुस्लिम पक्ष के लिए भी जो फैसला दिया गया है उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी इस फैसले के बाद से खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि एक सौहार्द का संदेश सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के हक में और जो अयोध्या विवादित ज़मीन पर दिया है वो एक सौहार्द का संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आज देश भर में रामलला के हित में लोग दिवाली मना रहे हैं, बम पटाखे जलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जगह जगह आरती करके लोग अयोध्या में श्री राम की वापसी पर खुशी मना रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया रहा। देश भर में खुशी की लहर देखी जा रही है। यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये लड्डू इसलिए बट रहे हैं क्योंकि रामलला की घर वापसी हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आरती यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर इन लड्डू को बांटने से पहले सबसे पहले आरती की गई और भगवान राम को याद किया गया कि जो बरसों से आपका इंतज़ार था अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, आखिरकार उस फैसले की घड़ी आ गई और लोग आज खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों का मुँह मीठा कराया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग यहाँ पर है दर्शन, ये लोग रामलला की आरती करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, अंदर की तरफ लेके जाना चाहूंगी। देखिए शायद यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि श्री रामचंद्र महाराज की जय। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको श्री राम की ये प्रतिमा, ये मूर्ति आपको दिखाई देगी। इस मूर्ति के सामने ही यहाँ पर सभी भक्तों ने राम के पहले आरती की और उसके बाद यहाँ पर जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी की लहर यहाँ पर साफ देखी जा रही है। दिए जो मैंने आपको बताए थे कि जो दिए हैं ये आज दिवाली नहीं है लेकिन पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए, 500 साल पुराना फैसला जिस तरह से आया, क्या कहेंगे? अरे इससे अच्छा और मौका क्या होगा। भगवान की बड़ी कृपा रही है और जहाँ भगवान श्री राम ने, योगेश्वर ने इनका प्रादुर्भाव जब हुआ, साक्षसों का विनाश किया, ताड़ का स्वभाव इत्यादि को मारा, क्या उन भगवान से अलग हो जाएंगे? हमें को बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी भगवान यहाँ पर जो है भगवान का मंदिर बने, और आज भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारी जनता में विशेष हर्षोल्लास है। आज हमारी मर्यादा, हमारा काम पूरा हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत लंबे इंतजार के बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, क्या खुशी है, क्या लगता है कि अयोध्या में एक बार फिर से राम का मंदिर बने? आज हमारी ये सारी पीढ़ी, मातृशक्ति, वंदनी मातृशक्ति और हम सब भाईजन जो खड़े हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये समय हम सबने मिलकर देखा। इससे हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। आज असली दीपावली तो आज यहाँ पर सब मिलकर मना रहे हैं और ये एक हिंदू समाज के लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई अंत नहीं हो सकता। फैसले को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि फैसला अगर किसी एक के पक्ष में आता है तो शायद देश में कुछ दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या लगता है, एक सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, और मुस्लिम पक्ष के लिए भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस पल का हमारे को बड़ी बेसब्री से इंतजार था
वो पल हमारे को देखने के लिए मिले और यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। जो भी प्रोग्राम होते हैं बड़े शांतिपूर्वक प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी है इस बात की। आज के दिन का कितना इंतजार था, जैसे ही कल शाम को ब्रेकिंग चली कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी राम मंदिर बनाने का, तो क्या धड़कनें तेज थी? पहले से विश्वास था कि मंदिर तो बनेगा ही, विश्वास था। हाँ, राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हमारी जीवन शैली हैं, भारत का कण कण में राम है और राम के बिना भारत अधूरा है। सर क्या कहेंगे कि राम के बिना भारत अधूरा है जैसा कि इन्होंने कहा, तो अब क्या लगता है कि राम वापस आ गए हैं, 500 साल तक गुम थे? बिल्कुल, रामचंद्र जी वापस नहीं आए, रामचंद्र जी तो थे ही यहाँ, हमारे तो पूर्वज हैं वो, और हमारा तो देश ही लोकतांत्रिक देश है, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हमारे यहाँ तो ये सभ्यता ऐसी है, सब मिलके रहते हैं। और राम मंदिर तो असल में तो मुस्लिम भाई भी हमारे चाहते थे, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने भटका रखा था और आज प्रभु राम की कृपा से वापस हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और हम सब बहुत खुश हैं। और इसी उपलक्ष में हमने राम जी का यहाँ स्वागत किया है, पूरी गली की महिलाएं, पूरी गली के लोग यहाँ दीप ज्वलित करके और अपना हर्षोल्लास श्री राम का स्वागत किया। क्या लगता है जब सुबह 10:30 बजे से फैसला आया तो उस समय क्या भावनाएं थी, क्या खुशी का पल था, और जिस तरह से अब शाम को सेलिब्रेट किया गया तो क्या रोक पाना मुश्किल ना? हमेशा उन्हीं के प्रति है और हम जो है ना, ये किसी वर्ग विशेष की नहीं है जीत, ना कोई धर्म की है, ये हमारी भावनाओं की जीत, हमारी आस्था की जीत है। जो कुछ महिलाएं भी है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर मातृ शक्ति है, इन मातृ शक्तियों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या राम मंदिर का जिस तरह से फैसला आया है उसके बाद कितनी खुशी है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए? ये इससे खुशी होने वाली कौन सी बात है, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। ये फैसला तो आ ही नहीं रहा था, कितनी मुश्किल से ये फैसला आया है। ये देखो हमारे इस बार हमारी दिवाली सबसे बढ़िया दिवाली इस बार हुई है। क्या लगता है कि दिवाली आज है, जो अक्टूबर में दिवाली गई वो नवंबर में आ गई? हाँ बिल्कुल, वापस दिवाली बना रहे हम, और अयोध्या राम जी के बिना अधूरी थी, हम राम जी के बिना अधूरे थे, और मैं कह रही हूँ मतलब जिनकी आयु कम थी ना, बीमार थे, वो ये खबर सुन करके ठीक हो गए हैं। आंसू आ मेरी, वृंदावन में एक महाराज जी से बात हुई, वो कह रहे हैं अब मैं ठीक हूँ, खबर मिल गई कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, अब मैं ठीक हूँ। क्या लगता है कि राम मंदिर को बनते हुए देखना चाहते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर निर्माण होगा? हाँ जी देखना चाहते, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक बार सब जरा जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से ये मोहल्ला गूंज रहा है। हाँ मैं लड्डू बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे भी लड्डू यहाँ पर खिलाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे से विजय इनके लिए पूरी तरह से गूंज चुका है। तो आज स्वर्णिम दिन है पूरे देश के लिए, वो स्वर्णिम दिन है जिसका इंतजार ये लंबे समय से कर रहे थे, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो लोग भी इस फैसले के बाद खुश हो गए, चाहे जो लंबे समय से बीमार पड़े थे, इस फैसले के आने के बाद उन लोगों के अंदर भी एक प्राण आ गया। तो इसको स्वर्णिम दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण था उसकी लड़ाई लगभग 500 साल से की जा रही थी। ये राम मंदिर सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि वो लोग भी देखेंगे जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था, और ये स्वर्ण दिन इसलिए है क्योंकि वो युवा पीढ़ी जो राम मंदिर के इस विवाद को जानना चाहती थी, लगातार टीवी में इसकी खबरों को सुन रही थी, जब पता चला कि अब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा तो वाकई में ये खुशी का दिन है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी एक साथ, लगभग कई पीढ़ियों के लोग अयोध्या में राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशन लाइव, दिल्ली।